पूर्णिया पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। बरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्याकांड मामले में सफल उद्भेदन करते हुए चार अपराधियों को धर दबोचा गया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सदर SDPO पुष्कर कुमार ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 की सुबह एक चाकू से गोदा हुआ लाश हरदा से आगे NH 31 के किनारे पड़े होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद मरंगा थाना की पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया गया और फिर अनुसंधान शुरू कर दिया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए SP आमिर जावेद ने एक टीम का गठन किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर पुष्कर कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर घटना में संलिप्त चार अपराधियों को धर दबोचा गया। इनके द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में अपने दोस्त को स्वीकार किया गया, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि मृतक के ही चाचा के द्वारा 50,000 का लालच देकर हत्या की योजना बनाकर हत्या करवाई गई थी। इसके लिए चारों ने मिलकर मृतक को पार्टी का प्रलोभनदेह कर एक ऑटो से पूर्णिया लाया और वहां लाकर पुराने हवाई अड्डे फील्ड में चाकू से गोदकर हत्या कर दी और लाश को ठिकाना लगाने के लिए ऑटो से ले जाकर मरंगा हरदा के आगे NH 31 के किनारे फेंक दिया और वहां से लोग फरार हो गए थे। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिनांक 1/4/23 को सुबह में मरंगा हरदा के पास में NH 31 के किनारे में एक डेड बॉडी मिला था, जिसमें चाकू से गोदकर उसकी हत्या की गई थी और अनुसंधान के बाद ये पहचान मृतक का हुआ। तो मरने वाला ब्रजेश कुमार बरारी क्षेत्र का रहने वाला था। अनुसंधान के क्रम में इस हत्या में शामिल चार अपराधी थे, चारों को गिरफ्तार किया गया है और इसके दोस्तों ने ही राज खोला है। हत्या करवाने के पीछे जिनका हाथ था उनके बारे में भी पता चला है और इसके एवज में 50,000 रुपया लेने की भी बात प्रकाश में आई है। ये लोग चारों दोस्त इसको ऑटो पर बैठा के पुरानी हवाई अड्डा के फील्ड पर लेके वहाँ पर हत्या करके और लाश को लाके NH हरदा के पास में फेंक दिया है। इस टीम में सभी सम्मिलित पुलिसकर्मी को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो टीम बनाया गया था उस टीम के को पुरस्कृत करने के भी पुलिस अधीक्षक महोदय ने बात कही है और यह जो है लगातार 1 माह के अंदर में यह कांड का उद्भेदन किया गया, जो काफी सराहनीय है। सर, विवाद किस कारण, हत्या किस कारण से हुआ और संपत्ति संबंधी विवाद के कारण यह हत्या इसके परिवार के रिश्तेदार ने ही करवाया है। दोस्तों गिरफ्तारी हुई नहीं, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उन पर भी छापामारी चल रहा है, गिरफ्तारी होगी। जब्त क्या क्या हुआ सर इसके पास से? इसके पास से मोबाइल वोबाइल जब्त हुआ है और इन लोग को घटनास्थल पर भी ले गए, तो वहाँ पर भी पहचाना घटनास्थल पर जहाँ पे इन्होंने घटना कारित किया है। 50,000 में दिया गया था पूरा या फिर अलग अलग 50,000? 50,000 अभी तत्काल दिया गया था और अलग भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसकी बात का भी खुलासा किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग था? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। सर, जो मृतक है उनको इन लोगों ने पकड़ा कैसे? मृतक इसके दोस्त ही थे, अपराधी लोग उसको गुड फेथ में लेके यहाँ पे आया था। ये लोग सभी बरारी का है? सभी बरारी का। मृतक बरारी कटिहार नहीं, बरारी कटिहार। मृतक और अभियुक्त सभी एक ही जगह के। इन लोग की गिरफ्तारी विभिन्न जगहों से हुई है। सर, 3-4 दिन पहले एक कार बरामद हुई है, उसका PC अभी 1:30 बजे है, उसके छोड़ दिए 1:30 बजे वहाँ से करेंगे अभी। प्रदेश का चाचा ने कॉन्टैक्ट इसको व्हाट्सएप में डाल देता है।